अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल सॉल्व एमटीक्यू नंबर 23.10 ऑफ चैप्टर बजटिंग। लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज द लास्ट एमटीक्यू ऑफ चैप्टर बजटिंग। ठीक है जी। ट्री कंपनी हैज डिसाइडेड टू यूज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स व्हेन मेकिंग डिसीजंस अबाउट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ट्री कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स का सहारा लेगी जब भी वो डिसीजन ले रही होगी अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की। जो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो डिसीजंस लेने के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स का सहारा लेगी। ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टेक नो अकाउंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टास्क वन में वो पूछ रहा है कि इन पांचों में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे, नो अकाउंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द पे बैक पीरियड, यस, एक ये टेक्निक है, इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कोई ताल्लुक नहीं है। एनपीवी, बिल्कुल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ताल्लुक। डिस्काउंटेड पे बैक, बिल्कुल है। डिस्काउंटेड पे बैक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। द राइट आंसर इज द पे बैक पीरियड एंड ROCI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते, जबकि एनपीवी, आईआरआर और डिस्काउंटेड पे बैक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। इस प्रिंसिपल की बेस पर कि जो पैसा हमने कि जो कैश हमें फ्यूचर में रिसीव होगा उसकी आज वैल्यू क्या है, ये तीन कंसिडर करते हैं। द पे बैक पीरियड एंड ROCI, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी। ये था हमारा टास्क नंबर वन। टास्क नंबर टू में वन ऑफ द प्रोजेक्ट ट्री कंपनी इज कंसिडरिंग इन प्रोजेक्ट पी। अच्छा जी। इट हैज द फॉलोइंग कैश फ्लो। जो ट्री कंपनी है वो प्रोजेक्ट पी में कंसिडर कर रही है कि पैसा लगाए और ये उसको कैश फ्लो हुए हैं। ठीक है जी। सिंपल डिस्काउंटेड कैश फ्लो है ये, सिंपल पे बैक पीरियड है ये, इसके अंदर रेट वेट कुछ भी गिवन नहीं है। इसका हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ईयर कैश फ्लो, कम्युलेटिव कैश फ्लो या कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ईयर जीरो में मैंने इन्वेस्ट किए हैं 60,000, तो आज के 60,000 आज 60,000 के बराबर। ठीक है, ये चली गई मेरी इन्वेस्टमेंट। ईयर वन में मुझे जो है इनफ्लो हुआ 20,000 का, कितने रह गए 40,000। ठीक है जी। 60,000 इन्वेस्ट किए थे जिसमें से मुझे 20,000 मिल गए, 40,000 रह गए। ईयर टू में मुझे 30,000 का इनफ्लो हुआ, कितने रह गए 10,000। ईयर थ्री में मुझे 40,000 का इनफ्लो हुआ, मुझे चाहिए 10,000, मैं यहीं रुक जाऊंगी, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है पूरी हो गई है। ठीक है। जैसे ही आपके जो जितने पैसे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई भी होती है वो जहां पे पूरी हो जाए आपका काम खत्म हो जाता है। आपने क्या करना, ईयर थ्री में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो रही है, आपके 60,000 आपको मिल चुके हैं, जो मिल रहे हैं वो आपको इजाफी मिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जिस साल आपको मिल रहे हो आपके पूरे पैसे, ठीक है, उसके ऊपर वाला साल लेना है। थ्री में मिल रहे हैं तो ऊपर वाला साल लेंगे ईयर टू, या टू ईयर प्लस जितने पैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो 10,000 वो आप ऊपर लिखेंगे, जितने आपको मिल रहे हैं वो आप लिखेंगे नीचे। ठीक है जी। टू इयर्स प्लस डिवाइड करेंगे 10,000 को 40,000 से तो आ जाएगा 0.25, तो 2.25 इयर्स। ये है मेरा प्रोजेक्ट पी का पे बैक पीरियड। ठीक है जी। दिस इज द टास्क नंबर टू। अब हम करेंगे टास्क नंबर थ्री।
कंपनी हैज कैलकुलेटेड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 15%। 15% पे वो कैलकुलेट करती है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट आर द एनपीवी एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट पी? एनपीवी निकालनी है और डिस्काउंटेड, सबसे पहले तो व्हाट आर द एनपीवी और डिस्काउंटेड पेबैक से हमें पेबैक पीरियड निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, उसका तरीके का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अगेन चार्ट बनाएंगे, ईयर कैश फ्लो 15% का रेट, एनपीवी और कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। ईयर जीरो में मैंने 60,000 का कैश आउटफ्लो हुआ है मेरे पास। सबसे पहले साल वन मेरा आ जाता है, आज के 60,000 आज 60,000 के बराबर ही है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 60,000, ठीक है जी। ईयर वन में मुझे इनफ्लो हुआ, क्वेश्चन ही अपने पास सामने रखिएगा, 20,000 का इनफ्लो हुआ है जब मैंने कैलकुलेटर के अंदर ऐसे लिखे 1.15% की पावर -1, तो आपके पास आ जाएगा 0.870, ठीक है जी। ये आप टेबल से भी निकाल देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से इसको, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 17,400। 60,000 में 17,400 मिल गए तो मुझे अब 42,600 मजीद चाहिए, ठीक है जी। ईयर टू में मुझे इनफ्लो हुआ 30,000 का। अगेन आप जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 1+15 की पावर -2, क्योंकि अब हम ईयर टू पर आ गए हैं, तो आ जाएगा 0.756। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 22,680, 42,600 चाहिए थे, 22,680 मिल गए हैं। कितने बच गए? 9,920 बच गए, ठीक है। बेसिकली 60,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, 42,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ईयर थ्री में मुझे 40,000 का इनफ्लो हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जब निकालूंगी तो 658 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा के 26,320। अगेन 6,400, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पूरी हो गई है, ठीक है जी। अब मेरा काम क्या है, जिस साल मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है उसका पूरा वाला साल, 2 ईयर प्लस जितने पैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 19,920, जितने मुझे इजाफी मिल रहे हैं 26,320, आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 7-6 ईयर्स आ जाएगा डायरेक्ट। इसका मैंने कैलकुलेटर से आंसर निकाल लिया है, अप्रोक्स जो है ये मेरे पास 2 ईयर्स एंड 9 मंथ, 9 मंथ्स बन रहे हैं, मेरी जो है पे बैक पीरियड जो है वापस आ जाएगा। और एनपीवी निकाल, अब मुझे एनपीवी निकालना है तो मुझे ये ईयर फोर के लिए भी करना होगा। ईयर फोर में मुझे 50,000 का इनफ्लो हुआ, अगेन मैंने जब पीवी फैक्टर निकाला 0.572, मल्टीप्लाई करवा के ये आ जाएगा 28,600, 35,000, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जब मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है उसके बाद की वर्किंग को, कैश इनफ्लोस को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन वो हम किसी और जगह करते हैं, ये आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। एनपीवी निकालने के लिए अपनी आउटफ्लो में से सारे इनफ्लोस को माइनस कर दिया तो मेरे पास मेरी एनपीवी आ जाएगी 35,000, मेरी एनपीवी आ जाएगी, ये मैंने निकाल ली है 35,000, मेरी एनपीवी आ गई। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेरा है 2 ईयर्स एंड 9 मंथ। बाय कैलकुलेटिंग द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वी स्टेब्लिश द टाइम एट विच द एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बिकम पॉजिटिव। यस, बिल्कुल, हम उस टाइम को स्टेब्लिश करते हैं एनपीवी, एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त डिस्काउंटेड पे बैक में। यस, द आंसर इज ट्रू।
आई होप आपको ये एमटीक्यू क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज.